हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर साथियों आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है पोर्चुलाका का पौधा। पोर्चुलाका को नाइनो क्लॉक मास रोज भी कहते हैं। ये एक पौधा सन लविंग प्लांट है, यानी कि जब धूप पड़ती है इस प्लांट पर तभी इसकी कलियां, जो मोटी मोटी कलियां होती हैं, तभी खिलती हैं। अगर आप देखोगे सुबह के समय, जब तक इस पौधे पर धूप नहीं पड़ेगी ये पौधे की कलियां खिलती नहीं हैं। और जैसे ही 9 बजा धूप आई छत पर, पौधों पर धूप पड़ी, कलियां फूल में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो कई रंगों के पाए जाते हैं। जो हाईब्रिड वाली अब आने लगी है 9 o'clock, नर्सरी पे आपको कई कलर के मिल जाएंगे। आप जो चाहोगे बताओगे वो कलर मिल जाएंगे। पर जो ये कॉमन वाला देसी बर होता है वो ज़्यादातर रेड पिंक और एक मिक्सचर पिंक का होता है। ये पौधा साथियों कभी ख़राब नहीं होता है। जैसे जैसे सर्दियाँ शुरू होने लगती हैं पौधा थोड़ा मुरझा सा जाता है, पत्तियाँ डल होने लगती हैं और पेड़ थोड़ा थोड़ा सूख भी जाता है, पर कभी मरता नहीं है। बसंत ऋतु जैसे आती है वैसे ही अगर आप थोड़ी सी खाद पानी दे दोगे तो ये पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा और फ्लावरिंग पर आएगा। तो जो ये पौधा मेरा दिख रहा है, इस पौधे पर देखिए आज कम से कम 30-40 फूल खिले हैं और कितने सुंदर कलर के फूल खिले हैं। तो इस पौधे पे फरवरी में मैंने जो काम किया था वो आपके साथ शेयर किया था। फ्रेंड, अगर आपके पोर्चुलाका के प्लांट में अभी तक फ्लावरिंग नहीं हो रही है, पौधे की ग्रोथ भी नहीं हो रही है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो होममेड फर्टिलाइज़र, देखिए मैंने बना के तैयार भी किया है, आपको आसानी से अपने किचन में ही मिल जाएगा, कहीं बाहर से ढूंढने जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो लगातार इसका इस्तेमाल अगर आप करते रहोगे अपने प्लांट पर तो आपके प्लांट पोर्चुलाका में फ्लावरिंग भी होगी और इस तरह से रुखी हुई है अगर ग्रोथ, तो आपका पौधा इस तरह से हरा भरा हो जाएगा और फास्ट ग्रोथ भी करने लगेगा। अब पौधा सैकड़ों फूलों से भी भर जाएगा, आप गिन नहीं सकते हो, इतनी सारी फ्लावर्स आए हैं मेरे पोर्चुलाका के रेड में और पिंक में। तो जो फर्टिलाइज़र मैं बताऊं आपको इस पौधे में, कुछ केयर टिप्स है जो बताना चाहती हूं, क्योंकि कई लोग चाहते हैं और जानते हैं कि केवल फर्टिलाइज़र दे देने से ही पौधे में फ्लावरिंग होने लगती है। तो नहीं साथियों, ऐसा नहीं होता है। कई लोग जानते हैं कि फर्टिलाइज़र दे दिया बस मेरा काम ख़त्म, और वो प्लांट की केयर के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देते हैं, बस फर्टिलाइज़र देने से फ्लावरिंग आ जाएगी यही उनको समझ में आता है। पर ये नहीं है, हम अच्छे से केयर करेंगे तो भी हमें अच्छे से फ्लावरिंग होगी। इसको पोर्चुलाका प्लांट सन लविंग प्लांट है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, सूरज की रोशनी में पूरे दिन की धूप में रखें तो अच्छी फ्लावरिंग इस तरह से मिलेगी और ग्रोथ भी होगा प्लांट का, अच्छी फ्लावरिंग भी होगी। इसके साथ अगर आपके पौधे में कोई घास आस देखिए निकल गई है, चूँकि ये पौधा नीचे से बहुत घना हो जाता है इसलिए इसमें घास आस निकलती रहती हैं, तो जैसे ही कोई घास आस दिखे वो आपको निकालते रहना है। लोग घास को भी छोड़ देते हैं, इससे होता क्या है, जो न्यूट्रिशन हम पौधे को देते हैं वो पौधे को कम मिलता है और न्यूट्रिशन जो है घास खा जाता है। तो पौधे के अंदर उगने वाली घास को आपको ज़रूर से ज़रूर निकाल देना है, ध्यान रहे घास को ज़रूर निकालिए। अब दूसरी खास बात है इस पोर्चुलाका प्लांट की, वाटरिंग की। तो वाटरिंग इस पर कंट्रोल वाटरिंग करनी है आपको, ज़्यादा एक्सेस वाटरिंग कर देंगे तो रोज़ इसकी मिट्टी रोज़ गीली है, ऊपर से आप पानी भी दे रहे हैं, ऐसा करने से प्लांट की पत्तियाँ जो हैं पीली हो जाएंगी और कलियां भी बनना बंद हो जाएंगी, फूल बहुत कम ही मिलेंगे, इसलिए पानी को चेक करके ही आपको देना है। अब तीसरी चीज़ आपको बताना चाहूँगी, जो इसके ऊपर सूखे हुए फूल हैं देखिए
उनको आपको हटाते रहना है। मैं तो सुबह हटा चुकी थी, फिर भी आपको बताना चाहती हूँ। चलिए एक बाकी है, इस सूखे फूल को हटा दीजिए। इसके बगल में ही दूसरी कलियाँ होती हैं, वो अगर ये लगे रहेंगे तो वो कलियों का डेवलपमेंट नहीं होगा, कली ग्रोथ नहीं करेगी। हर फूल के बगल में देखिए एक मोटी सी कली है, अगर ये सूख गया है तो उसको हटाएंगे नहीं तो ये कली डेवलप नहीं होगी और खिल भी नहीं पाएगी। तो इस तरह से सूखे कलियों को आपको हटाते ही रहना है, क्योंकि इस फूल के साथ दूसरे फूलों का ग्रोथ रुक जाएगा। अब हम आ जाते हैं फर्टिलाइज़र के ऊपर। तो अगर फर्टिलाइज़र के ऊपर आ जाते हैं, अगर आपके प्लांट की ग्रोथ इस तरह से नहीं हो रही है, प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं, तो वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जो आपके पौधे पर, पोर्चुलाका के प्लांट पर घर बैठे ही बना सकते हैं और इतने ढेरों फूल पा सकते हैं अच्छी फ्लावरिंग पाने के लिए। चलिए मैं अब आपको बताना चाहूँगी कि कौन सा फर्टिलाइज़र है। तो देखिए, जो सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है हमारे पूरे गार्डन के लिए, वो होता है ओनियन फील्ड फर्टिलाइज़र। मैंने इसका वीडियो भी बना के अपने चैनल पर अपलोड किया है कि इसको कैसे बनाते हैं। तो साथियों, दो प्याज के छिलके आप ले लीजिए और रात भर के लिए पानी में भिगो दीजिए इस तरह से, और सुबह देखिए इस तरह का कलर हो जाएगा। और उसको आपको छान लेना है, छिलके नहीं डालने हैं, बारिश के दिनों में फंगस आ जाएगा अगर आपने छिलके भी डाल दिए। ये देखिए ओनियन फील फर्टिलाइज़र का कलर ऐसा हो जाता है। आपको बिल्कुल प्योर नहीं डालना है। देखिए, प्लेन वाटर ले लीजिए और इस तरह से थोड़ा, जितना आपने फर्टिलाइज़र लिया उतना ही सादा पानी भी इसमें मिला दीजिए। अब देखिए ओनियन फील फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो गया। करना क्या है आपको, वो भी मैं अब बताने जा रही हूँ। प्याज के छिलकों में साथियों पोटाश बहुत अच्छी मात्रा में होता है, सभी को पता है प्याज में बहुत अच्छी मात्रा में पोटाश होता है। इसके साथ ही साथ अगर पौधे की पत्तियाँ पीली हो रही हैं तो प्याज के छिलके में आयरन, मैग्नीशियम भी होता है, बहुत अच्छी मात्रा में होता है। अगर आप ओनियन फील फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो पोर्चुलाका में आयरन और पोटेशियम की कमी, मैग्नीशियम की कमी नहीं रहेगी, आपका पौधा इतना हरा भरा रहेगा। और पोटेशियम पाकर, ये पोटाश है, ओरिजिनल नेचुरल पोटेशियम है, इसको पाकर आपके पोर्चुलाका प्लांट में पोटेशियम की कमी ख़त्म हो जाएगी, पौधे पर कलियों और फूलों की कमी नहीं रहेगी, अनगिनत कलियां, अनगिनत फ्लावर आएंगे। देखिए आपके सामने है, मैं कोई गलत वीडियो नहीं दिखाती हूँ, रोज़ का रोज़ वीडियो बनाती हूँ। कितनी हैवी मात्रा में ब्लूमिंग है। मैं हर 15 दिन में एक बार ओनियन फील फर्टिलाइज़र लगभग सारे फ्लावरिंग प्लांट पर देती रहती हूँ, जिससे कि मेरे गार्डन में हर प्लांटों में इस तरह की फ्लावरिंग आपको हमेशा दिखती है। तो ये रहा वीडियो। अगर आप ओनियन फील फर्टिलाइज़र अपने पोर्चुलाका प्लांट पर देते रहेंगे तो मेरे प्लांट की तरह आपका प्लांट भी इस तरह से घना हो जाएगा, हरा भरा रहेगा और फ्लावरिंग देखिए, इस तरह की फ्लावरिंग का प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप इस तरह से जरूर दीजिए। अब देना कैसे है देखिए, एक गिलास पानी ले लीजिए और इस तरह से अपने प्लांटों में, बहुत नहीं देना है, प्लांट छोटा है तो आधा गिलास, बड़ा है तो एक गिलास, इस तरह से आप पोर्चुलाका प्लांट में नेचुरल फर्टिलाइज़र देकर ढेरों फूल पा सकते हैं। अगर वीडियो जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट करिएगा, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।